अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। गुरुग्राम पुलिस ने सिक्सटॉर्शन रैकेट का किया पर्दाफाश, जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। गुरुग्राम पुलिस ने सिक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये दोनों आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है, जो न सिर्फ मोबाइल और चेन छीनते थे बल्कि छीने गए मोबाइल की मदद से लोगों को वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे, जिसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की ठगी की जाती थी। वहीं इस कृत्य में तीन और आरोपी शामिल हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि पकड़े गए इन दोनों आरोपियों पर स्नैचिंग सहित करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी पहचान नू के रहने वाले जुबैर खान और वसीम के रूप में हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई थी, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने अपराध शाखाओं को सक्रिय किया, जिसके बाद सेक्टर 31 अपराध शाखा की टीम ने सूचना के आधार पर इन दोनों आरोपियों को काबू किया है। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं और इन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाते हुए करीब 3.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। जरा सुनिए इस पर पुलिस का क्या कहना है। ये छीना झपटी और लूटपाट करने के संबंध में इन दोनों को अरेस्ट करा गया है कि जुबैर खान लगभग 2.88 करोड़ रुपए का सेक्सटॉर्शन के संबंध में जालसाजी करके लोगों से ठगी कर चुका था। इसके अन्य और साथी भी हैं जिनकी जानकारी अभी हासिल करी गई है, इनको रिमांड पर लिया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 2.88 करोड़ रुपये के आसपास का जो उन्होंने ठगी करी है। मॉडस ऑपरेंडी का रहता था कि ये वीडियो कॉल के मार्फत किसी को भी कॉल करते हैं टारगेट को अपने, और फिर वीडियो कॉल के मार्फत किसी तरीके की ऐसे अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के साथ ये संपर्क में आके और जब वीडियो कॉल के मार्फत से फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है, और ब्लैकमेल के माध्यम से फिर उनसे पूछा जाता है कि आप इतने पैसे हमारे को ट्रांसफ़र कर दीजिए या किसी इस तरीके से दीजिए। जिस संबंध में जानकारी प्राप्त करी है कि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स इनके खिलाफ हैं और कुछ केसेस भी रजिस्टर्ड हैं, उसके तहत हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सेक्सटॉर्शन के दौरान वसूली गई राशि की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को आशंका है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से कई और भी खुलासे हो सकते हैं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।